पकड़ा दो। जबकि सच्चाई ये है 5 तारीख को जो 1500 से लेकर 2000 शो कॉज नोटिस दिए गए उनमें 700 तो उनको दिए गए जिन्होंने ज्वाइनिंग कर ली थी, उन्हें क्यों नहीं है? वो तो वापस चली गई है ना, लेकिन नोटिस उनको भी मिल रहे हैं। इसके अलावा जो बहने जाकर लिखित में ये कह रही हैं कि आइंदा हड़ताल में नहीं जाएंगी, हड़ताल करना भूल थी, माफी मांग रही हैं, उन बहनों को भी ये पूछना चाहिए कि डिपार्टमेंट उन्हें कुछ लिखित में दे रहा है, क्यों नहीं डिपार्टमेंट उनको लिखित में ये देता है कि आप लोगों को जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं कभी टर्मिनेट नहीं करेंगे। डिपार्टमेंट अपने लेटर हेड पर दे बताए कि वो टर्मिनेशन उनका कभी नहीं, जिंदगी में कभी नहीं करेंगे। और मंत्री के साइन और स्टैंप, डायरेक्टर के साइन और स्टैंप, डिप्टी डायरेक्टर और जेडी के साइन और स्टैंप के साथ ये बात बोले जो जा रही है ना ज्वाइनिंग लेने, अपनी अकल पर थोड़ा जोर डालो और सोचो कितना घाटे का सौदा कर रही हो। सुपरवाइजर से ये लेटर मांगती क्यों नहीं हो जिस लेटर में लिखा हो कि तुम्हारा कभी टर्मिनेशन नहीं होगा? क्या वो ये लेटर देंगे? देंगे नहीं देंगे, क्योंकि फोकस हड़ताल के खत्म होने का, हड़ताल के टूटने का इंतजार कर रहे हैं। जीती गई हड़ताल में कोई टर्मिनेट नहीं होता है और हारी हुई हड़ताल में सब टर्मिनेट हो जाते हैं। यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है, बाकी सब माया है। तो इस सच को दिमाग में डाल लो, हड़ताल जीती गई तो सब बचेंगे, सब सिर उठाकर वापस जाएंगे, और हार गए तो कोई नहीं बचेगा। जो ज्वाइनिंग करने गए हैं वो भी लपेटे में आएंगे, आज नहीं हड़ताल टूटने के 15 से 20 दिन के अंदर। आप कहते हो कि मैं लिखते दूं, मैं यूनियन के लेटर हेड पर ये लिखने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे कोई डर नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। डिपार्टमेंट भी तो लिख कर दे कि किसी को टर्मिनेट नहीं करेगा, लेकिन नहीं बोलेंगे। जहां तक आज की बातचीत का सवाल है, हमने पहले ये साफ कर दिया 5 बजे तक इंतजार करेंगे, नहीं तो कल से। एक बात जो हमने इस बार करके भी दिखा दी, ये कह रहे थे सीएम आवास पर नहीं बैठ सकते, धारा 144 लग गई है, वहां साल के 365 दिन धारा 144 लगी रहती है, आप गाड़ी में ही बैठ अब सुन रहे हैं कि नहीं? वहां साल के 365 दिन 144 लगती है और वहां पर हाईकोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन परसों हमने एक बार फिर से सीएम आवास का घेराव कर दिया और आज भी वो घेराव जारी है। आज भी हमारी बहने ना सिर्फ वहां बल्कि कश्मीरी के WPD हेडक्वार्टर पर भी जमी हुई है, दोनों टीमें मोर्चा संभाल कर बैठी हुई। तो 5 बजे तक डेलीगेशन बुलाते हो अच्छी बात है, नहीं बुलाते